देखो आपको यार यहाँ पे भरपूर मात्रा में कच्छे मिलेंगे, कच्छे कच्छे कपड़े लोगों के, क्योंकि यहाँ पे जो भी नहाता है तो कपड़े यहीं पे छोड़ के जाते हैं। Hey guys, welcome back to new video. तो guys, अभी हम हैं मथुरा वृंदावन, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अभी फिलहाल नहा धो के रेडी हो गए हैं, पाजी भी रेडी हो गया, पूरा चाय हमने पी ली है, ब्रेकफास्ट हम बाद में करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं कोकिला बन के लिए। चलिए जी, अभी हम जा रहे हैं कोकिला बन। अभी हम यार निकल गए आश्रम से, हमारा आश्रम पीछे है ये रहा। तो आश्रम से निकल के अभी हम जा रहे हैं कोकिला वन। वहाँ पे है शनि देव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। शनि देव जी का मंदिर है नहीं ये उसे शनि देव नो कृष्ण जी ने दर्शन देते कोकिल रूप च। अच्छा, कोयल दे उत्थे ही शनि देव नू कृष्ण जी ने कोयल दे रूप दे विच दर्शन दिते सीगे, तां करके उत्थे शनि जी का मंदिर आ। ते तुहानू घुमावांगे वधिया, ते तुहानू दर्शन करावांगे शनि जी दे। बने रहना पूरे ब्लॉग में। इस साइड भाई वो चीज़ है जो मन्नत मांगते हैं ना, मतलब ऐसे लेट लेट के जाते हैं वो है इस साइड। देखो यार कोकिला बन में भी जंगल है, पूरा बना है ये, दूर दूर तक जंगल ही है और इस साइड भी जंगल है। भाई सर यहाँ पे भी काफ़ी मंदिर लग रहे हैं, दो तीन मंदिर उस साइड हैं एंड मेन मंदिर इस साइड है शनि जी का मंदिर। यहाँ पे आप तेल वगैरह ले सकते हो चढ़ाने के लिए। मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो हमने ये ले लिया पैक पूरा चढ़ाने के लिए। इसमें तेल है और अगरबत्ती है, ठीक है, एक काला कपड़ा है छोटा सा, मतलब ये चढ़ता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर होती है पूजा, अगर किसी ने पूजा करवानी हो शनिदेव महाराज की, यहाँ बैठे हैं पंडित सारे पूजा वाले। और मंदिर है ऊपर, आगे चले। हमने भी यार पूजा करवा ली यहाँ पे, क्योंकि पूजा करवानी जरूरी है यार। ये जो सामान होता है ये पूरा पूजा का ही होता है, चढ़ता नहीं। पहले हमें पता नहीं था, पहले हमें ऐसा था कि शनिदेव महाराज पे चढ़ेगा, वहाँ पे तो सिर्फ तेल ही चढ़ेगा अंदर, यहाँ पे पूजा करवानी जरूरी है बाहर। अभी ये लगी हुई है भाई लाइने जाने के लिए मंदिर है, भीड़ इतनी ज्यादा भी नहीं है। अभी हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर शनि मंदिर से। अभी यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कुंडे, का कुंड है यहाँ पे स्नान करने वाला, वहाँ पे हाथ मुंह धो लेंगे। कपड़े तो हम लेके नहीं आए क्योंकि इस साइड आ गया यार कुंड नहाने वाला। ये आ गया अभी कुंड नहाने वाला। तो आपको यार यहाँ पे भरपूर मात्रा में कच्छे मिलेंगे, कच्छे कच्छे कपड़े लोगों के, क्योंकि यहाँ पे जो भी नहाता है तो कपड़े यहीं पे छोड़ के जाते हैं। तो यार आप देख सकते हो कच्छे कितने ज़्यादा पड़े हैं, कपड़े पूरे।
कुंड में नहाता है तो उसको कपड़े यहीं पे छोड़ के जाने पड़ते हैं, तो इसलिए आपने देखे होंगे कच्छे कपड़े निकर बनैन सब कुछ कपड़े लोगों के ऐसे ही पड़े हैं वहीं पे इतने ज़्यादा। तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह पे है, कोकिला वाला मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर ही 6-7 मंदिर हैं, शनिदेव महाराज के, शिव जी के, ठीक है, नवग्रह शांति मंदिर। तो अभी हम फिलहाल पी रहे हैं पुदीना पानी, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी यार, प्यास भी। तो अभी फिलहाल पीते हैं, वहाँ से मिल जाएगा आपको भी, मतलब जो पूजा का सामान होता है वो, जो पूजा वाली शॉप्स हैं सारी सामान लेना पूजा का, इस साइड खाने पीने वाली शॉप सारी। अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, मेरा आ गया समोसा एंड भाजी ने मंगाई है कचौड़ी, आ रही है अभी आगे भाजी की कचौड़ी। तो हमें यार खा पी भी लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, तो अभी मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग का एंड, तो आप अगले ब्लॉग में देखना कि अभी हम कहाँ जाएंगे। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ब्लॉग आएंगे और, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।